गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था उनके परिवार में उसकी पत्नी और एक लड़का था प्राचीन वह बहुत गरीब थे उनके हालत यह थी कि कभी कभी उनके पास खाने के लिए भी नहीं होता था ब्राह्मण की पत्नी बहुत तेज और चालाक थी वह रोज़ ब्राह्मण को भिक्षा मांगने के लिए कहती थी लेकिन ब्राह्मण उसकी बात पर ध्यान नहीं देता था और घर में बैठा प्रभु का नाम जपता रहता था पत्नी के रोजोज अपमान करने पर एक दिन सुबह उठा और अपना पोथी पतरा उठाकर साथ वाले गांव की तरफ चल दिया चलते चलते ब्राह्मण घने जंगल में पहुंच गया अंधेरा हो चुका था इसलिए ब्राह्मण ने एक पीपल के पेड़ के नीचे अपना आसन जमा लिया और प्रभु का नाम जपने लगा अगले दिन सुबह ब्राह्मण उठा तो पास की नदी में स्नान करके वह आगे की तरफ़ चल दिया और थोड़ी देर बाद दूसरे गांव में पहुंच गया उस गांव के लोग नास्तिक थे इसलिए वह ना तो ब्राह्मण की कथा सुन रहे थे और न ही ब्राह्मण को भिक्षा दे रहे थे वह ब्राह्मण परेशान होकर वापस जंगल में आकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया जहां वह रात को रुका था ब्राह्मण जिस पेड़ के नीचे बैठा था उस पेड़ की जड़ के नीचे एक विशाल नाग रहता था ब्राह्मण ने सोचा कि मेरी कथा तो कोई भी नहीं सुनता इसलिए मैं पीपल के पेड़ को ही अपनी कथा सुना देता हूँ और ब्राह्मण अपनी कथा सुनाने लगा जैसे ही ब्राह्मण ने अपनी कथा खत्म कि उसी समय पेड़ के नीचे बिल में से काला नाग निकला और ब्राह्मण को एक सोने की अशर्फी देकर बोला तुम रोज आकर मुझे कथा सुनाया करो मैं रोज तुम्हें एक सोने की अशर्फी दिया करूँगा ब्राह्मण ने उसकी बात मान ली नाग ने ब्राह्मण से वचन लिया कि तुम यह बात किसी को नहीं बताओगे और तुम्हारे सभी दुख दर्द भी दूर हो जाएंगे अब ब्राह्मण का रोज का नियम बन गया वह रोज़ सुबह उठता और अपना पोथी पत्रा लेकर उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच जाता और वहां बैठकर कथा सुनाता कथा समाप्त होने पर नाग बिल से बाहर आता हूं और ब्राह्मण को एक सोने की अशर्फी भेंट करता देखते देखते ब्राह्मण खूब धनवान हो गया यह देखकर गा वालों में चर्चा होने लगी कि ब्राह्मण के पास इतनी धन संपत्ति कैसे आ गई लगता है ज़रूर यह कोई गलत काम करता है ब्राह्मण लोगों की बातों पर कोई ध्यान नहीं देता था वह नियम से अपना काम करता रहता था एक दिन गांव की कुछ औरतें ब्राह्मण के घर आई और उसकी पत्नी से पूछने लगी कि तुम इतने धनवान कैसे हो गए आपके पति रोज कहाँ जाते हैं और उनकी कथा रोज कौन सुनता है औरतों की बातें सुनकर ब्राह्मण की पत्नी के मन में भी संदेह हुआ ब्राह्मण जैसे ही घर में आया उनकी पत्नी ने पूछा कि आपको यह धन कहाँ से मिलता है ब्राह्मण ने उसकी बात सुनकर कहा तुम्हें इससे क्या लेना देना यह कहकर ब्राह्मण ने उसकी बात को टाल दिया ब्राह्मण की पत्नी को पति की बात सुनकर और ज्यादा संदेह हो गया और वह ब्राह्मण से लड़ने लगी उसने ब्राह्मण को सब कुछ बताने के लिए मजबूर कर दिया ब्राह्मण ने नाग की सारी बात बता दी जिस वजह से उसकी पत्नी के मन में लालच जाग गया और उसने ब्राह्मण के खाने में नशे की दवा मिलाकर अपने बेटे से बोली बेटा पीपल के पेड़ पर जाओ और उस नाक को मारकर उसकी सारी सम्पत्ति ले आओ ब्राह्मण का लड़का पोथी पत्रा लेकर वहाँ गया और पीपल के पेड़ के आगे बैठकर कथा सुनाने लगा कथा पूरी होने पर वह नाग बाहर आया और उसको सोने की अशरफी देने लगा तभी लड़के ने कुल्हाड़ी से नाग पर वार कर दिया जिससे नाग की पूछ कट गई नाग ने पलटकर लड़के को डस लिया जिससे लड़के की मौत हो गई उधर जब ब्राह्मण उठा तो उसने देखा कि उसका पोथी पत्रा गायब है उसकी समझ में आ गया कि जरूर कोई गड़बड़ है ब्राह्मण जल्दी से पीपल के पेड़ के पास गया उसने देखा कि वहाँ उसका लड़का मरा पड़ा था ब्राह्मण को देखकर नाग बिल से बाहर आया और उसको बोला कि मैंने तुमको कहा था सोने की अशरफी की बात तुम किसी को नहीं बताओगे तुम्हें पुत्र की मौत का दुख है तो मुझे मेरी पूछ कटने का दुख है मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारी जो संपत्ति मेरी वजह से बनी है वह सब खत्म हो जाएगी ब्राह्मण अपना सिर पीटता हुआ पुत्र की लाश लेकर वापस घर आ गया और अपनी पत्नी को बोला कि देखा तुम्हारे लालच की वजह से हमने अपना एकलौता पुत्र गवा दिया और हमारी सारी धन संपत्ति भी नष्ट हो गई उसकी पत्नी भी रोती रह गई शिक्षा दोस्तों लालच एक दलदल है लालच व्यक्ति को विनाश की तरफ ले जाता है इसलिए जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए कैसे ब्राह्मण की पत्नी ने अपने लालच की वजह से सब कुछ गवा दिया